आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट भी ऑब्वियसली एक बड़ा मैच होता है, प्रेशर मैच होता है, उससे जब आप उस मैच में परफॉर्म करते हैं तो बाकी मैचेस आपके लिए थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इंडियाज़ गेम ईजी होता है। बट आई थिंक ये जर्नी उससे भी पहले की स्टार्ट हुई है, जब मैं साउथ अफ्रीका से लेके उसके बाद जितनी भी सीरीज़ हुई हैं छोटे छोटे कैमियो खेलता रहा हूँ, और नेट में जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ बैटिंग को ज़्यादा टाइम दे रहा था, स्पेशली अभी यूसुफ भाई के साथ भी, और शायद भी के साथ मैंने बहुत काम किया बैटिंग पे, शायद असलम भाई के साथ। और क्योंकि मैं एक टीम की, मेरे से जो है वो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मैं बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफॉर्म करूँ और टीम को करके दूँ, तो मैं दोनों चीज़ों पर फोकस करता हूँ। और वैसे भी जो आजकल की क्रिकेट है वो उसकी डिमांड यही है कि आप थ्री डायमेंशनल होना चाहिए आपको। आप जब भी बैटिंग पे आते हैं चेकअप से लेकर यहाँ तक, हमें 10-12 की एवरेज चाहिए होती है और आप तकरीबन पूरा हो जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस टीम को आप में है और खुद को अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस, और ये सब कैसे हुआ है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा है कि जो भी प्रैक्टिसेस मैच को सामने रख के मैं नेट में जो भी प्रैक्टिसेस करता हूँ वो इसी तरह करता हूँ कि जो मैच की सिचुएशन में जिस नंबर पे मैं जाता हूँ तो उसी को जहन में रख के मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और बस जब मैं मिडल में जाता हूँ यही होता है कि क्लियर माइंड के साथ अपने आप को पैक करता हूँ और जो भी प्रिपरेशन मैंने की होती है उसको मिडल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी मजाक से टीम में कहा है कि मैं जब भी आता हूँ 10-12 की एवरेज चाहिए थी, कभी तो 6-8 की एवरेज? नहीं, ऐसा मजाक तो कभी नहीं किया मैंने, बट ये है कि जो भी सिचुएशन हो ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल आपको उस सिचुएशन के साथ डील करनी पड़ती है, और मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि जैसी भी सिचुएशन हो उस पर जाके मैं अपना 100% दूँ। अपने साथ हैदर अली की जो एक नॉक लगी, कितना उससे बूस्ट मिला आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से हैदर अली ने खेला है आज, उसको आई थिंक उसने हमें मोमेंटम दिया है। उसके जो कैमियो था, उसने जैसी शॉटें खेली हैं आज, उधर से हमारा जो है वो मोमेंटम मिला है हमें, और उसको फिर मैंने कैरी ऑन किया और मैच फिनिश किया। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला मैच इंडिया का है और अब आप मेन मिडर बन चुके हैं, खासकर मिडर ऑर्डर के, खुद को कितना आप उस मैच के तैयार समझते हैं और अभी हम कौन सी टीम खेल रहे हैं? आई थिंक जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट भी और उससे पहले भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, और उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई है काफ़ी क्रंच मैचेस हुए हैं, और अभी यहाँ पे भी जो हमने सीरीज़ जीती है तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा सब प्लेयर्स को, और हमारी प्रिपरेशन पूरी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और मैच समझ के उसको, मतलब कि ये जहन पे नहीं सवार करना कि इंडिया के साथ मैच है, जो भी बस जो भी अपनी तैयारी की हुई है और जाके उसको मिडल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है और मैच खेलना है बस। मेन मेन रनर बल्लेबाजों से पहले आपकी बारी आती है, मोहम्मद हफीज का शायद भी आपने देखा हो कि इससे दूसरे जो बैट्समैन है वो शायद वो होते हैं, लेकिन आपको खुद को कितना हो रहा है कि टीम आपके बहुत ज़्यादा बैन कर रही है? देखें, मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैं ऊपर के नंबर्स पे बैटिंग करता रहा हूँ, तो जैसा मैंने आपको बोला कि टीम की एक्सपेक्टेशंस मुझसे ये सिर्फ नहीं है कि मैं सिर्फ बॉलिंग करके उनको दूँ, उनकी ये भी है कि मैं बैटिंग में भी पूरा उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ, और मैं यही कोशिश करता हूँ। जितने भी प्लेयर्स हैं हमारी टीम में सब जो हैं वो इसी चीज़ पे रहते हैं कि बस जो भी सिचुएशन है उसमें परफॉर्म करना है, और उसके लिए हम तैयारी करते हैं। थैंक यू। न्यूजीलैंड में हराना कैसा लगा? आई थिंक काफ़ी अच्छा उनकी कंडीशंस में हराना, एक तो वर्ल्ड कप से पहले वो भी टीम के लिए काफ़ी अच्छा, सब प्लेयर्स के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छी सीरीज थी हमारे लिए। थैंक। अब आप वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी फैंस के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या पाकिस्तानी फैंस के लिए? बस हमें सपोर्ट करें एज़ यूजुअल, जिस तरह से हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया।